नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फेसबुक पर पासवर्ड पता नहीं है लेकिन फिर भी आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, किस प्रकार से आप फेसबुक पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना ताकि हम जो भी ऐसी वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिलते रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऊपर से कॉर्नर में 3 लाइन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है और दोस्तों यहाँ से आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से बहुत सारे आपके पास ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सिंपल सा आपको यहाँ से सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्लिक करना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर। सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है फेसबुक के ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जब आपने पासवर्ड को चेंज किया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पासवर्ड याद है तो यहाँ पर आप करंट पासवर्ड डाल सकते हो, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर दोनों जगह पर कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, इस दोनों जगह पर कुछ भी नहीं डालना। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपके सामने देख सकते हो, फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक कर लेना। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करते हो नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपके पास देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ से कुछ इस प्रकार से लॉगिन अल्ट आपको देखने को मिल जाएगा फेसबुक के अंदर। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको जीमेल ऐड है, जीमेल पर क्लिक कर सकते हो। व्हाट्सअप ऐड है तो व्हाट्सअप पर क्लिक कर सकते हो। एसएमएस ऐड है तो एसएमएस पर क्लिक कर सकते हो। तो सिंपल सा दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर इसके अंदर कोड लेने वाला हूँ जीमेल के थ्रू। सिंपल से मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो मेरा सिक्योरिटी कोड है कुछ इस प्रकार से मेरा जीमेल के अंदर चला जाएगा। तो 26 दोस्तों, जो यहाँ से मेरा जो कोड है उसको मैं यहाँ से फिल कर लेता हूँ। 26 12 69 यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने मैं इसके अंदर पासवर्ड को चेंज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से नया पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका जो नया पासवर्ड है वो यहाँ से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए मैं अपना जो नया पासवर्ड है वो बना लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते कुछ इस प्रकार से समथिंग वेट रॉन्ग आ जाएगा, लेकिन यहाँ से ट्राई इट पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको बैक आ जाना। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको जीमेल के अंदर आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जीमेल के अंदर वो यहाँ से मेल आ चुका होगा आपके सामने यहाँ। तो दोस्तों, मैं जैसे ही अपने जो जीमेल अकाउंट के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ से डिड यू जस्ट रीसेट योर पासवर्ड और यहाँ से चेंज हो चुका है जो आपका पासवर्ड है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से फेसबुक के अंदर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।